तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल यह मालूम नहीं चल पाया है कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण। भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर पुष्टि की है कि जनरल रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर से आग की लपटें उठने लगी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद शुरू कर दी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स सूत्रों ने बताया कि जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है।